हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर पेन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने दिसंबर 2019 टर्मिनल एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब दिसंबर 2019 टर्मिनल एग्जामिनेशन को जनवरी 2020 तक कंडक्ट करवाने का फैसला किया गया है। इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ऐसा कौन सा वजह था जिसकी वजह से इग्नू को दिसंबर 2019 टर्मिनल एग्जामिनेशन को जनवरी 2020 तक एक्सटेंड करने का जरूरत पड़ा। बहुत सारे सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन डेट भी चेंज कर दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग को एक एक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया हुआ वीडियो का लिंक चेक करें, उसे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो बड़ा चेंजेस किया गया है वो है दिसंबर का एग्जामिनेशन के डेट को लेकर। इससे पहले इग्नू ने दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे डेट शीट ऑलरेडी रिलीज कर दिए थे। इससे पहले टेंटेटिव डेट शीट 6 सितंबर को रिलीज किया गया था, उसके बाद से फिर अक्टूबर में डेट शीट रिलीज किया गया, फिर नवंबर 1 नवंबर को फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया गया था, फिर और 2 डेट शीट रिलीज किया गया, और आज एक और नया डेट शीट रिलीज किया गया है जो कि 13 नवंबर को यहाँ पे डेट शो हो रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके ये डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये देखो कि इससे पहले 1 नवंबर के बाद जो 2 डेट शीट रिलीज किया गया था उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन ये जो डेट शीट है इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन के डेट भी चेंज कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये चेंजेस करने का जरूरत क्यों पड़ा। उसका एक मात्र वजह है झारखंड असेंबली इलेक्शन। आप लोगों को मैं बता दूं कि झारखंड में 5 फेज में चुनाव होने वाले हैं। पहला फेज 30 नवंबर को होने वाला है, फिर 7 दिसंबर को, फिर 12 दिसंबर को, फिर 16 दिसंबर को और फिर 20 दिसंबर को। आप लोगों को पता है कि कभी भी किसी स्टेट में असेंबली चुनाव होते हैं तो वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी टीचर होते हैं सभी तो इलेक्शन ड्यूटी पे रहते हैं, और जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सारे तो स्कूल कॉलेजेस में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं ना, तो उस टाइम पे आप लोग एग्जामिनेशन कैसे पढ़ सकता है इसीलिए। और एक और वजह ये भी है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया में अलग डेट पे एग्जामिनेशन होगा और झारखंड में अलग डेट पे एग्जामिनेशन होगा, इसीलिए ऑल ओवर इंडिया का एग्जामिनेशन डेट को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स का पहले 7 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाला था वो यहाँ पे अभी उस डेट को हटा दिया गया है। आप लोग यहाँ पे सबूत के तौर पे देख लो कि टेंटेटिव डेट सीट जब था तो उस दिन उसमें 7 दिसंबर को बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले थे। बीपीसी 006, इको 10 के एग्जामिनेशन होने वाले थे, और सबसे बड़ा एफएसटी 01 का एग्जामिनेशन होने वाला था जो कि फाउंडेशन कोर्स है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रहता है। ठीक है, तो एफएसटी 01 को उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर को अब कंडक्ट किया जाएगा, उसको शिफ्ट कर दिया गया है 31 दिसंबर को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एफएसटी 01 31 दिसंबर। लेकिन इग्नू का लापरवाही देखिए कि इतना चेंजेस करने के बावजूद भी यहाँ पे फिर से इग्नू ने एक गलती किया है जिसके वजह से उसको फिर से एक और डेट शीट रिलीज करना पड़ा। यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है बीएससी अनदर प्रोग्राम एफएसटी का अभी भी 7 दिसंबर यहाँ पे शो हो रहा है, इसलिए ये डेट शीट फिर से एक चेंज होगा जहाँ पे जिसमें जस्ट इस जगह को करेक्ट किया जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, आप जो भी स्टूडेंट्स का एफएससी का एग्जामिनेशन है वो 31 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि 7 दिसंबर को असेंबली इलेक्शन है। ठीक है, फिर 12 दिसंबर को जितने भी एग्जामिनेशन थे उसको भी चेंज कर दिए गए हैं। तो अब आप लोग देख लो टेंटेटिव डेट शीट जो है 12 दिसंबर को यहाँ पे बहुत सारा एग्जामिनेशन था, एनसी1 था, बीपीवाई 007 था, यहाँ पे CS63 था, MCS 014 था, काफी सारे एग्जामिनेशन थे, एमकॉम के एग्जामिनेशन थे, MCU 05, MEG के एग्जामिनेशन थे, MEG 11, वो सभी डेट चेंज कर दिया गया है और जो न्यू डेट है उनका यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लो उसको 1 जनवरी को शिफ्ट किया गया। ठीक है, 30 दिसंबर को तो पहले आप लोग का खत्म होने वाला था, तो जो भी डेट है जिसे 7 दिसंबर को 31 दिसंबर में चेंज कर दिया गया, जिनका भी 7 दिसंबर को था वो 31 दिसंबर को होगा, जिनका भी 12 दिसंबर को था उनका 1 जनवरी को होगा, जिनका भी 16 दिसंबर को एग्जामिनेशन था उनको अब 2 जनवरी को होगा, और जिनका भी 20 दिसंबर का एग्जामिनेशन था वो अब 3 जनवरी को होगा। ठीक है, आप लोग सबूत के तौर पर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख लो 16 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाले थे इतने सारे, ATR 01, BMS 003, ECO 2, अब देखो उसको 2 जनवरी को शिफ्ट कर दिया गया है। जितने 16 दिसंबर के थे यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ 16 दिसंबर के जितने थे उसको यहाँ पे 2 जनवरी को शिफ्ट कर दिया गया। देखिए ATR 01, BMS 003, ECO 2, जितने भी 12 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाले थे यहाँ पे देखो 12 दिसंबर, हाँ ANC 01, BPY 007, उसको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि 1 जनवरी को शिफ्ट कर दिया गया है, और जो 20 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाले थे, एक दिखा दे रहा हूँ उसमें 20 दिसंबर को दिया गया है,
20 दिसंबर को यहाँ पे देख लो बीपीएचई 101, बीपीएचई 102, इको 1, इन सबको 3 जनवरी को कर दिया गया। यहाँ पे देखो बीपीएचई 101, 102, ठीक है, इको 1। तो इस तरीका से अभी न्यू डेट को चेंज कर दिया गया, जनवरी में होगा। और इसका बस एक ही वजह है क्योंकि झारखंड असेंबली इलेक्शन हो रहा है इस डेट पे, इसी वजह से ये सारा चीज चेंजेस किया गया। बाकी सब चीज जितना भी है, जितना भी सब्जेक्ट है, वो एज इट इज है। सिर्फ वही सब्जेक्ट को वही डेट चेंज किया गया जिस दिन असेंबली इलेक्शन होने वाला है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है इग्नू में, मैंने तो पहली बार ही देखा है जिस दिन डेट को जनवरी तक एक्सटेंड किया गया हो। ठीक है, इससे पहले एक बार हुआ था जब पेपर लीक हो गया था बीएड एग्जामिनेशन के लिए, तो उनका डेट चेंज किया गया था। लेकिन इसमें तो काफी सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये सब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जिनका इको 1 है, इको 2 है, एफएसटी है, बीएसएचए 101, ये सब जितने भी पेपर हैं, तो उनके ये सब चेंजेस किए गए हैं। बीएसएचए 101 का चेंज नहीं किया गया है, बाकी एफएससी 01 का चेंज किया गया। और वो सभी पेपर जो 7, 12, 16 और 20 दिसंबर को पहले पढ़ने वाले थे, वो सब 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी को होने वाले हैं। ठीक है, और भी अदर्स हैं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग थ्रूली आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा, जो भी पहले चेक किए थे फिर से आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका कौन से डेट पे एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर पहले आप लोग का वो सभी डेट पे एग्जामिनेशन होने वाला, तो यानी कि 7 दिसंबर, 12, 16 और 20 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सारी डिटेल बताने वाला था कि क्यों चेंज किया जा रहा है और किस वजह से चेंज किया गया इस बार एग्जामिनेशन डेट को, और क्यों इसको एक्सटेंड करके जनवरी 2020 तक कर दिया गया और कौन कौन से सब्जेक्ट का डेट चेंज किया गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सभी को बताया कि ये सारे चेंजेस हुए हैं, तो आप लोग को उनको भी पता चल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, इंस्टा मोजो पर सपोर्ट भी कर सकते हो इस हेल्पलाइन को, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और किसी भी डाउट के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और देखो डेट जो भी चेंजेस हुए हैं तो आप लोग का तो 1 वीक के अंदर हॉल टिकट ही रिलीज कर दिया जाएगा, तो उसके बाद से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, उसमें और ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया, यही सब सारा चेंजेस था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।